इस बॉटल को शेक करना है अच्छी तरीके से। अब इसको डालना कैसे ये मेरे को बताओ, कितने किसान है यहाँ पे, कैसे उपयोग करोगे इसको, कैसे उपयोग करोगे ये बताओ। तो मैं किसान मैं तो साइंटिस्ट हूँ, मैं तो साइंटिस्ट हूँ, डालना कैसे इसका उपयोग बताओ ना, छिड़कना तो ही नहीं इसको, बिकॉज दिस प्रोडक्ट इज सॉइल कंडीशनर, मिट्टी का कंडीशनर है। आप घर से निकलते हो ना कंडीशन होकर के, दाढ़ी बना के, नहा के धो के, क्रीम पाउडर लगा के, मिट्टी को कब नहलाते धुलाते हो, कब क्रीम पाउडर लगाते हो, कब उसकी दाढ़ी बनाते हो, मिट्टी में लगाते हैं, बालू क्या है सर, चलो बालू का कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। बालू क्या है, पत्थर की ईंटन और सिलिका, एक समय के बाद खेत से बालू निकालनी पड़ती है, ये क्या करेगा बालू को और टाइट कर देगा, जब बालू टाइट होगी तो मिट्टी क्या होगी, फिर केंचुआ कहाँ जाएगा सर, इसको खेत में जब जुताई होती है उसी समय इसको छिड़काव, तो कैसे करोगे मिट्टी में मिलाकर, जबरदस्त तालियां होनी चाहिए सर, कमीशन मिल गया, ठीक 40 किलो मिट्टी प्रति एकड़, 40 किलो मिट्टी प्रति एकड़ और 1 लीटर एग्रो काइजन, जिस वक्त मर्जी है आप अपनी फसल में डाल सकते हैं, और 2 बार आपको डालना है, पूरी फसल में 2 बार डालना है, 45 दिन के अंतराल में 2 बार। आज आप डाल दीजिए, मिट्टी डाल दीजिए, मतलब मिट्टी में इसको मिला लीजिए, मिट्टी नहीं मिलती राख मिला लीजिए, अगर राख भी नहीं मिलता है सूखे कंडे ले लीजिए 10 से 20-40 किलो के लगभग, उनको पूछ लीजिए, इसको मिला लीजिए, मिलाने के बाद खेत में डाल दीजिए, पानी दे दीजिए, क्योंकि इसका एक्टिवेटर पानी है, इसका एक्टिवेटर कौन है, पानी है। अगर ये खेत में डाल दीजिए तो 90 दिन तक खराब नहीं होगा, 90 दिन के बाद इसका रिजल्ट भी आपको नहीं मिलेगा, यानी 90 दिन के अंदर आपको खेत में पानी देना ही, और 3 फसल आप डाल देंगे, 4th फसल आपके खेत में केचुआ निकल आएगा, ठीक। तो चाहे मिट्टी में डालिए, चाहे राख में डालिए, चाहे कंडा हो तो कंडे में डालिए, मैं यूरिया में नहीं डालेंगे, बिकॉज दिस इज ऑर्गेनिक प्रोडक्ट और यूरिया की इनऑर्गेनिक। हाँ, वो कब बताऊंगा, वो मैं तब बताऊंगा जब पहला पानी देने चलूंगा, अभी मैं खेत सुधार रहा हूँ, अभी खेत सुधारने के आ रहे हैं, तो पहले खेत सुधार लेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, खेत को पूरी तरीके से जोत देंगे, जोतने के बाद खेत तैयार कर लेंगे, जो रासायनिक खाद पिछले साल डाला था उसका 50% कर देंगे, कोई भी फसल पे पहली बार में ही खाद क्या होगी, आधी खाद डालेंगे, आधी खाद डालने के बाद फिर धान के बीज को छोड़ करके आप सारे बीज 1 ml 1 ml 1 किलो से बीज शोधन बीज का, 1 किलो में 1 ml 1 ml में 500 ग्राम पानी में डाल देंगे, बीज शोधन कर लेंगे, रात भर पड़ा रहने देंगे और सुबह बो देंगे, धान को छोड़ क्योंकि धान का ऊपर जो कवर होता है वो टूट नहीं पाता है, उसको सड़ाने के लिए पानी कम से कम 9 दिन चाहिए ही चाहिए, और सारे को ये 24 घंटे में तोड़ करके, ठीक सर। सर 20 शोधन वाला देखिए, हाँ सर, 1 ml 1 ml 1 किलो बीज, 1 ml 1 किलो बीज, धान का बीज शोधित नहीं करेंगे और सारे बीज शोधित करेंगे, धान का बीज शोधित नहीं करेंगे। 2 किलो यूरिया लेनी है, 2 किलो यूरिया लेनी है, इसको मिलाना है उसमें, कितनी यूरिया 2 किलो, फिर क्या करना है, 1 लीटर, ये एकड़ के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, एकड़ के हिसाब से 25 किलो मिट्टी में इसको मिला लेना है, 2 किलो यूरिया मिला लेना है, 32 बिस्वा, 32 बिस्वा मान के चलो, ठीक 32 बिस्वा। अभी इस मीटिंग के बाद आपसे डिस्कस कर लेंगे, तो बड़ा बीघा छोटे बीघे के लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगी, सारा चीज क्लियर करूंगा, सारा चीज क्लियर करूंगा, आप बीघे के हिसाब से बना दो, वो भी मैं करूंगा, स्क्वायर फीट स्क्वायर मीटर में भी करूंगा। हाँ, इसको मिला ले और खेत में डाल दे, पानी दे दें, पानी देने के बाद 100 लीटर पानी में 3 किलो यूरिया मिला करके फोलियर स्प्रे कर दे, तब अब हमारे एग्रीकल्चर की जरूरत नहीं है, फोलियर स्प्रे कर दे तो जितना 150 किलो यूरिया काम करती है उतना ये 5 किलो यूरिया काम करेगी। दिस इज द प्लान, ये बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है इंडियन मार्केट में, जो फसल अभी लगी है क्या सर के लिए जोरदार ताली,
क्योंकि इसके अंदर जो ऑर्गेनिक कार्बन है वो अपनी वेलोसिटी को नीचे 24 घंटे में पहुंचाता है और आधे फुट तक ले जाता है, आधे फुट तक, और आधे फुट तक जड़ भी, अगर वो आधे फुट में पोषक तत्व तो चले जाए तो आपको बार बार सिंचाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फसल काट लीजिए, फसल कट गई, रेडी, आपको फिर से क्या करना है, इसका 1.5 लीटर लेना है, 50 किलो मिट्टी में मिलाना है, खेत को जोत देना है और इसी में आपको थोड़ा सा लगभग 20 किलो यूरिया मिला देना है, इसी में डाल करके पानी दे देना है। सब कुछ सड़ के सात दिन में, क्यों? क्योंकि ह्यूमिड सालों सैकड़ों हजारों बरस सड़ा हुआ तत्व तो है, वो क्या करेगा, सबको सड़ा देगा। और यूरिया क्यों? क्योंकि हमारे पेट में भी नाइट्रोजन है और वो हर कुछ सड़ा करके निकालता है, तो इसका एक्टिवेशन क्या होगा, तेज हो जाएगा। जब तेज हो जाएगा तो पत्ता जड़ खरपतवार सब कुछ सड़ करके निकल। अब मुझे बताओ कौन सी ऐसी कंपनी है जो चैलेंज करती हो कि फसल बुआई से लेकर फसल कटाई का एक ही समाधान, वो है एग्रीकल्चर। है कोई कंपनी? तो क्या जोरदार तालियां नहीं बनती इसके लिए?